मोस्ट कॉमन ऑन पेज एसईओ मिस्टेक्स, आज का ये वीडियो इसी के ऊपर में डिपेंडेंट है, बिकॉज आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको ऐसी कॉमन चार ऐसे पॉइंट्स बताने वाला हूं जो कि ऑन पेज एसईओ के ऊपर में जो है मिस्टेक्स मोस्टली लोग कर देते हैं। तो चलिए, क्या है ये चार पॉइंट्स जो आपको अपने करियर के अंदर एसईओ के अंदर कभी भी मिस्टेक्स नहीं करनी है, और स्पेशली ये 2024 में काफी इफेक्टिव रहने वाली है। तो चलिए वीडियो को अंत तक देखते हैं। मेरा नाम है मंजीत सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल डिजिटल मंजीत। तो गाइस, सबसे पहली अगर हम बात करें ऑन पेज कहते किसको है, जिनको नहीं पता उनके लिए बता दूं, ऑन पेज का मतलब है यानी कि हमारी कोई भी जो वेबसाइट है जिसको हम गूगल के नंबर वन पे रैंक करना चाहते हैं, तो उस पेज के ऊपर में जो कंटेंट है या उसके कुछ टेक्निकल एस्पेक्ट्स हैं उनके साथ में जो है हम काम करते हैं, उसके साथ में कुछ एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, कुछ कीवर्ड रिलेटेड काम करते हैं। डोंट वरी, जिनको नहीं पता मैं प्रैक्टिकल दिखाऊंगा। तो आज जो है मैं आपको इसी के बारे में पूरी डिटेल बताने वाला हूं। तो चलिए, ऑन पेज एसईओ करने के लिए सबसे पहली जो मिस्टेक्स आपको कभी नहीं करनी है, दैट इज इमेज एसईओ। इमेज एसईओ कहने का मतलब है कि पहली चीज तो आपको इमेज हमेशा यूज करनी है, और दूसरा जो है इमेज के साथ में उसके जो अल्ट टैग्स वगैरह हैं वो आपको प्रॉपर अप टू डेट रखने हैं, सो दैट कि और रिलेटिव रखने हैं। ऐसा नहीं कि अल्ट टैग डालना है तो कुछ भी डाल दे, रिलेटिव रखने हैं हमारा जो भी उस पर्टिकुलर पेज का कंटेंट है उसके साथ में। तो ये पहली मिस्टेक्स कभी नहीं करनी है, और इमेज होना मैंडेटरी है। दूसरी मिस्टेक की बात करें यहां पे, इंटरलिंक्स आपके पास में एटलीस्ट तीन इंटरलिंक, चार बता रहा हूं, एटलीस्ट तीन इंटरलिंक जो है वो आपके पेज के ऊपर होने चाहिए। अब इंटरलिंक कहने का मतलब है जो कि अब हमारा जो टॉपिक है जिस पेज के लिए हम ये काम कर रहे हैं उस पेज के ऊपर में जिस भी निश का टॉपिक है, जिस भी निश का कॉन्टेंट हमने डाल के रखा है, उसी निश से रिलेटेड जो हमारे अदर पेजेस है हमारी ही वेबसाइट के अंदर, उनके साथ ही उनको इंटरलिंक करना है। और ये इंटरलिंक का ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि अगर आपकी निश कोई दूसरे की, दूसरे ब्लॉग पे आपका कोई डिफरेंट निश चल रही है या डिफरेंट काइंड ऑफ कैटेगरी का कंटेंट है उसको इंटरलिंक में डाल दें, ये गलती बिल्कुल भी ना करें, अदरवाइज वो जो है आपका एक नेगेटिव इंप्रेशन चला जाता है। तो हमेशा जो है रिलेटिव इंटरलिंक जो है वो डालें, हो सके तो आप दो या तीन तो जो है वो आपको डाल देने चाहिए, बाकी अगर नहीं है कंटेंट पहले से एक भी चलेगा। अब तीसरा जो है वो है आपका पेज यूआरएल हाईली ऑप्टिमाइज्ड होना चाहिए। अब जो पेज यूआरएल है वो हाईली ऑप्टिमाइज कहने का मतलब है कि यानी कि जब हम कीवर्ड रिसर्च करते हैं तो कीवर्ड रिसर्च के दौरान काफी सारे चीजों के ऊपर में, काफी सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जिसके ऊपर में काम करना पड़ता है, बट डोंट वरी, वो भी मैं आपको आने वाले वीडियो के अंदर प्रैक्टिकली जो है दिखाने वाला हूं कि किस तरह से जो पेज का यूआरएल है उसको हम हाईली ऑप्टिमाइज करें। चौथा यहां पर है वो है एक्सटर्नल लिंक्स, यानी कि एक्सटर्नल लिंक हमें जो है यहां पर अपनी वेबसाइट से दूसरी वेबसाइट तक देनी है। वो हमारा सोशल मीडिया हो सकता है, वो हमारा कोई यूट्यूब चैनल हो सकता है, या फिर हमारी ही कोई रिलेटिव कंटेंट की वेबसाइट या कोई ब्लॉग पोस्ट वगैरह हो सकता है। तो ये कुछ चार ऐसे मेजर पॉइंट्स हैं, बाकी अगर आप मिस भी कर जाते हैं, वैसे तो मिस कुछ भी नहीं करना चाहिए, हर पॉइंट का अपना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, बट स्टिल अगर आप बाकी सब चीजों के ऊपर में इनिशियली फोकस नहीं भी करते हैं, बट आपको ये चार ऑन पेज एसईओ के ऊपर में ऐसे एस्पेक्ट्स हैं जिनके ऊपर में हमेशा काम कर लेना चाहिए, बिकॉज जैसे ही आप पब्लिश करेंगे तो ये आपको बहुत ही बेनिफिट देंगे। सो गाइज, आई होप कि आपको ये चारों के चार पॉइंट जो मैंने बताए ऑन पेज एसईओ के कभी भी मिस मत करना। आई होप कि ये वीडियो पसंद आया, पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, और इनके प्रैक्टिकल वीडियोस आने वाले हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। फिर मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ, टिल देन स्टे सेफ।